नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी रक्षा कर रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जी हाँ दोस्तों, और रावण जैसे लोग अब इनसे हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी घटनाएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपको पिछले में बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, जिन्होंने दोस्तों आपको जीने की मोहलत तक नहीं दी, जिनसे आप अपने जीवन की भीख तक मांग रहे थे, जिनके कारण दोस्तों आपने बहुत सारी जीवन काल में किल्लत भरी जिंदगी जी है, अपने खुशियों को त्याग दिया अपने जिन के लिए, अपने जीवन काल में आपने जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया है, दोस्तों उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं। लेकिन दोस्तों और ये घटनाएं अब नहीं होंगी। आप सभी को बता दें कि जो लोग आपको धोखे देते आ रहे थे, जो लोग आपको परेशान करते आ रहे थे, जो लोग आपके जीवन काल में आपको खुश नहीं देखना चाहते थे, दोस्तों अब उन लोगों को सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और यह सजा स्वयं भगवान श्री राम उन सभी लोगों को देने वाले हैं। और दोस्तों इनकी सबसे बड़ी सजा होगी कि आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी और आपको मिलने वाली खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान श्री राम आपको आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ देंगे, बड़ी बड़ी सफलताएँ देंगे और बड़ी बड़ी कामयाबी जब आपके हाथों पर देंगे, तो दोस्तों ये लोग रोएंगे। आपकी खुशखबरी देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आपको भी शांत नहीं बैठना है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 4 दिनों के अंदर श्री राम का चमत्कार आप सभी के जीवन काल पर चलने वाले हैं। बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी, बहुत सारे से बड़े बदलाव होंगे और दोस्तों यश में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मन है तो वो कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेंगे, वे आपकी कामयाबी देख नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों 2 से 4 दिनों के अंदर आपको कौन सी विशेष सावधानियां रखनी होंगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, शादी दोस्तों यश में आपको कौन से एक ऐसे उपाय करने हैं जिन्हें करने मात्र से दोस्तों आप सभी के जीवन काल में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि दोस्तों इन जलने वालों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, साथ ही श्री राम बहुत ज़्यादा इनसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, जीवन के सबसे बड़े मूल मंत्र हैं, आप इन्हें ध्यान सुनिएगा। जी दोस्तों, और सभी बातें इस वीडियो में गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर आधारित है, इन्हें अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार जरूर लिख दें। भगवान श्री राम का यह नाम कोई मंत्र से कम नहीं है, जीवन काल में आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाएगा, खुशियां आप सभी को मिलेंगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते, वह देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अथवा उसकी अभाव की अनुभूति का अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से, अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर भगवान श्री राम आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी सफलताएं आपको इसमें देने वाले हैं, शादी कौन सी विशेष बातों का इन 2 से 4 दिनों में आपको ध्यान रखना होगा, ताकि दोस्तों कोई भी समस्या आने से ही पहले खत्म हो जाए और भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाए
और दुश्मनों से भी आपको मुक्ति मिले। तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन सी उपाय को करना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा, आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। दोस्तों संतान के करियर संबंधी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति की यश में सहायता भी मिलने वाली है। वो दोस्तों इसके उपरांत धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपको विशेष योगदान देना पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों अगर पैतृक संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा हो तो दोस्तों यश में उसके बढ़ने का भी आशंका लग रहा है, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें और अपने स्वभाव में धैर्य व फिर नरमी बनाकर रखें। गुस्से से बात जो है बिगड़ सकती है, किसी भी प्रकार की यात्रा नुकसान यश में आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन पर काम करने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों इनके द्वारा आप पर तनाव भी कम होगा और दोस्तों छोटे छोटे लक्ष्य भी प्राप्त करने में आप उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दोस्तों बच्चों के साथ बिताएगा समय आपके लिए आनंददायक रहेगा, इनसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर उचित सामंजस्य बनाकर रखेगा। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों उसे तुरंत कार्य रूप दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न करवाने की योजना भी बन सकती है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य में हाथ ना डालें, बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने कार्यों को अंजाम देते रहें, ये आपके लिए यश में अति उत्तम होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके मान हानि करवा सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिवार के साथ मतभेद भी यश में हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है और विचारों को बताने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बढ़ते गुस्से के कारण आप अपने करीबी व्यक्ति को दिल दुखा सकते हैं, खुद के प्रति और गलतफहमियां भी आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हो सके तो इन सभी से सावधान रहें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम काज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। कार्यों को भी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करने में आपकी जो जज्बा है यश में बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण भी अनुशासित और सकारात्मक यश में बना रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आपके लिए आ सकते हैं। और इसके उपरांत विद्यार्थी जो है तथा युवा लोग व्यर्थ के हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय को नष्ट ना करें। यह समय फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह की अवहेलना करना यश में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको यश में बचना चाहिए। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों आपको बनाई हुई योजना को पूरा होते देख आपको जो है समाधान भी यश में प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों यश में अगले लक्ष्य की तैयारी करने की आपको शुरुआत करनी होगी। पैसे से संबंधित निर्णय आपके उचित साबित होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यश में महिलाओं के नाम पर किया गया निवेश आपको अधिक फायदा दे सकता है, तो दोस्तों इन पर आप अधिक ध्यान दें। महिलाओं के नाम से ही कोई कार्य को या फिर योजना को ले, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी परेशानी का हल भी मिलेगा। अपनी जो है क्षमताओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा। और दोस्तों किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ चल रहे वाद विवाद के सुलझने से संबंधों में दोबारा मधुरता भी यह समय आने वाली है। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके करियर आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आपके सफल होंगे और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक कार्य जो है अधिक समय आपका व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में अधीनस्थ कर्मचारी के मान सम्मान में आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। कि दोस्तों यश में व्यापार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें। दोस्तों आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कहें तो मधुर भाषा स्वभाव से जो है व्यापारी संबंध और अधिक मजबूत होते हैं, तो दोस्तों इन पर जरूर दें ध्यान दें और अपने वाणी को जो है इसी तरह बरकरार रखें, आप भविष्य के लिए आपके बेहतर होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे,
दोस्तों आपको बता दें कि यश में पति की पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और यश में किसी मित्र के मुलाकात के लिए जो समय होगा अच्छा समय होगा, इससे आपका दिन जो है खुशनुमा और तरोताजा बनने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य में वर्तमान मौसम की वजह से हल्के फुल्के उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी। अपने खान पान और फिर दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। दोस्तों हल्की फुल्की मौसमी बीमारियों जैसे खांसी जुकाम गला खराब आदि परेशान करेंगे, इसलिए लापरवाही ना बरते ही तो आपके लिए बेहतर होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए ताकि भगवान श्री राम भी प्रसन्न हो जाए और सारे दुश्मनों से भी आपको छुटकारा मिल जाए। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जीवन काल में उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाए वह उपाय बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। जी दोस्तों आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग भगवान को बहुत बड़ी बड़ी रकम में वस्तुएं चढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसी में 2 से 4 दिनों के अंदर आप सभी को अपने जीवन काल में कोई भी गाय हो, जो खड़ी हो, जो बैठी हो, दोस्तों उसे रोज़ आप खिलाएं। लेकिन दोस्तों इन्हें आपको भगवान श्री राम समझकर रोटी खिलाना है, इतनी प्रसन्नता से कि समझो भगवान श्री राम आपके पास खड़े हैं। और जब भी गाय को रोटी खिलाएं, भगवान श्री राम को जरूर याद करें। दोस्तों भगवान श्री राम आपसे प्रसन्न होंगे, जीवन काल के आपके कष्ट हर लेंगे और दोस्तों आपके जीवन काल में खुशियां मिलेंगी, पेशा प्यार सब कुछ से घर भर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।